एयरटेक पर होंगे वो उसी हिसाब से उनके लिए करेंगे। मैंने उनको साथ ही उनके साथ डायरेक्शन दे दी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने दे दी है डायरेक्शन, विद इन 10 डेज वो तैयारियां आप क्योंकि कश्मीर को देखने के लिए आएंगे, साथ साथ उनको देखने के लिए आएंगे। गार्डन खोलते हैं फिर डायरेक्टर साहब एक फैसला करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे वो उसके लिए। एजेंडा इसका था नंबर वन, जो ट्यूलिप गार्डन ओपन हो रहा है उसके बारे में पूरा एक स्टेटस लेना फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स। नंबर सेकंड, जितने भी यहाँ पर केपेक्स में काम हो रहे हैं, चाहे वो ऑनगोइंग वर्क्स थे, चाहे न्यू वर्क्स हैं, चाहे हमारे मेंटेनेंस अपग्रेडेशन में, उसमें फिजिकल और फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो देखना था। और इसके अलावा प्रिपेयर्डनेस ऑफ अदर गार्डन्स, जो अभी अप्रैल के महीने में खुल रहे हैं फॉर द जनरल पब्लिक, इस सारा का वो स्टेटस लेना था। डायरेक्टर साहब ये बता रहे थे आपको, कमिश्नर साहब। हाँ, बेसिकली वो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ट्यूलिप गार्डन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो ट्यूलिप गार्डन के बारे में उन्होंने यही कहा कि चूँकि पिछले साल तो ट्यूलिप गार्डन खुला नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड, बट इस साल लकीली हम जो मौसम हमारा है ये इतना अच्छा होने लगा है कि वी आर एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा प्रीपोन हो जाएगा। सो समवेयर अराउंड 20th ऑफ मार्च जो है वी आर एक्सपेक्टिंग to open it for the general public, plus minus a few days depending on weather and temperature. तो उसके बाद एक और बात जो हमारे कमिश्नर साहब ने कही वो ये कही कि इस साल का जो ट्यूलिप फेस्टिवल हैं ये पिछले सालों के फेस्टिवल से थोड़ा और ग्रैंड तरीके से होगा और 8 दिन का ये फेस्टिवल रहेगा। और इस दफ़ा इस फेस्टिवल को फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और ये और ग्रैंड स्केल पर होगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो लोकल टैलेंट है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कश्मीरी सिंगिंग है, कश्मीरी म्यूज़िक है, और उसके अलावा जो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जो है उनको भी देने की कोशिश करेंगे। पेंटिंग का इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग कंपटीशंस, इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी कंपटीशंस, क्विज, और ये सारी चीज़ जो है डेली बेसिस पर साइमल्टेनियसली होगी। नॉट फॉरगेटिंग कि जो हमारा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा इट वुड बी ऑफ कोर्स द ट्यूलिप्स। कमिंग स्पेसिफिकली टू योर क्वेश्चन कि नए गार्डन्स का, क्योंकि आप सबको पता है ये गार्डन जो है ना ठीक ठाक इसका एरिया है, इसका एरिया है अबाउट 30 हेक्टेयर्स, उसमें भी 20 एकड़ के करीब जो कवर हो चुका है जिसमें ट्यूलिप हैं, और ट्यूलिप के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लगता है, एंड वी हैव अबाउट 10 हेक्टेयर्स अप्रोक्सीमेटली जो इस गार्डन के पेरीफ्रीज में हैं और कुछ हिस्सा इसके ऊपर वाले जबरवन साइड में हैं। तो इसका गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक DPR जो है सेंक्शन किया हुआ है फॉर सेटिंग अप ए जैपनीज चेरी ब्लूम गार्डन, जिसको जैपनीज सकुरा गार्डन कहते हैं। तो इसमें जो हमारा प्लान है वो ये है कि वी बी प्लांटिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चेरीज। इसमें आप ज़रूर एक क्वेश्चन करोगे, सर यहाँ लोकल चेरीज़ तो खैर वो ही लगाने होते, वो बड़ा आसान था, लेकिन इसमें हम वो वैरायटीज़ लगाएंगे जो अर्ली ब्लूमिंग होंगे, जैसे अभी हाइब्रिड नहीं, ये इंपोर्ट ही किए जाएंगे जिस तरह से हमारे, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ में किसी न किसी मुल्क को एक स्पेशलाइजेशन होती है। और ये जो अर्ली चेरी ब्लूमिंग ट्रीज़ हैं और गार्डन्स हैं, इसमें जो सफ़कत है इस वक्त जापान को हासिल है, और वो इसको बोलते हैं चेरी गार्डन सकुरा।
अपनी लैंग्वेज में। और थोड़ा सा चूँकि अब आपने ये सवाल छेड़ ही दिया है, ये सकुरा गार्डन्स जो हैं जापान से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लगाए गए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, चाइना हैं और बड़ी सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो बड़े सारे मुल्कों में इसको नए साल की आमद जो हैं उसके तौर पर भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो यही है, नंबर वन ये जो गार्डन है इसको एक्सटेंड किया जाए, और इन द प्रोसेस हम इसमें कुछ ऐसा प्लान करें कि जिस तरह से ऑलरेडी हमारे ट्यूलिप गार्डन है, हमारा जो टूरिस्ट सीज़न है वो प्रीपोन, आपको पता है प्रीपोन किया है बाय ऑलमोस्ट अ मंथ, तो इसमें भी 10-15 दिन हम कोशिश करेंगे कि और ये प्रीपोन हो जाए, कोई 10 या 15 मार्च के आसपास ही यहाँ पर जो है डिपेंड्स ऑन वेदर ऑफ कोर्स, या जितने भी ये नेचुरल फूल हैं पौधे हैं तो सब वेदर और टेम्परेचर पर ही है, लेकिन नॉर्मली तो हम वही पास्ट प्रैक्टिस ही लेते हैं कि भाई इस सीज़न में ये टेम्परेचर रहेगा, और एबनॉर्मल चीज़ें तो वो कभी कभी होती हैं, नॉर्मली उसको नहीं लेते। तो नॉर्मल जो हमारा वेदर है इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये प्रिपोन हो जाए कोई 10-15 दिन, और इसके साथ साथ ये एक्सटेंड भी हो जाए 10-15, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्यूलिप्स हैं इसकी लाइफ कम होती है, सो बाई एंड ऑफ अप्रैल ये गार्डन जो है फिर ये मुरझा जाता है। बट एट दैट टाइम ऑल्सो हम लेट वराइटीज़ भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि उसके बाद भी 10-15 दिन और यहाँ पर जो हमारे फूल हैं वो देखने को मिले। थैंक यू सर।